तो मटन के तो आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं हमारे चैनल पर, बट आज कुछ अलग होने वाला। आज ना मटन बनाएंगे, आज ना मटन खाएंगे, फिर भी आपको मटन दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने वाले। एक कमेंट जो ये बहुत दिन से आ रहा है, जब से पिछले लॉकडाउन में वो रेसिपी वाला शूट करना स्टार्ट किए हैं, तब से एक कमेंट आ रहा है। कुछ लोग पूछा करते थे कि ये दिखाइए कि मटन खरीदे कैसे, कौन सा पोर्शन लेना चाहिए, कौन सा पोर्शन नहीं लेना चाहिए, किस पोर्शन का क्या यूज है, किस पोर्शन का क्या बेनिफिट है। इसका कमेंट बहुत दिन से आ रहा था, बहुत मतलब 6-7 महीने 1 साल से ये कमेंट आ रहा था। तो आज पहले तो बनाने में थोड़ा वियर्ड लग रहा था कि क्या मटन के दुकान पर जाएँ, वो सब दिखाएँ, वो बनाने में पता नहीं कैसा लगा, लोग को देखने में पता नहीं क्या लगेगा, वियर्ड लग रहा था थोड़ा बनाने में। बट आज सोचे कि अब बना ही दिया जाए, अब लोग को दिखा ही दिया जाए। जिन्हें इंटरेस्ट है, जिन्हें जानना है, वो इस वीडियो को देखेंगे। जिन्हें देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, वो नहीं देखेंगे, च्वाइस आपका है। तो ये इस वीडियो में हम लोग कुछ आपको टेम्पटिंग सा मटन बनते हुए दिखाने वाले नहीं। आमतौर पे हमारा जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है कि मटन आपको बनते हुए दिखाएं, मटन खा के दिखाएं, थोड़ा आपको ललचाए, थोड़ा आपको टेम्प्ट करे, थोड़ा आपको इंटरटेन करे। बहुत ज़्यादा आपको अपना दिमाग लगाना नहीं होता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लोग ऑलरेडी इतने थके हैं, इतने बाहरी दुनिया से डिप्रेस्ड है, वो आते हैं चैनल खोल के जब हमारा वीडियो देखते हैं तो रिलैक्स हो, थोड़ा इन्जॉय करें, अपने घर में रोटी और भिंडी को खाते हुए भी हमारे वीडियोस को देखें, और उसमें भी थोड़ा मटन वाला फील है। मोटिव हमारे वीडियोस का ये होता है। बट ये कुछ अलग होने वाला है, ये थोड़ा ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, थोड़ा ज्ञान मिलने वाला है आपको मटन के बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो फिलहाल हम लोग करवी गैया वाले एरिया में खड़े हैं। अब आपको ले चलते हैं उस शॉप से जहाँ पर से कि हम बचपन से ही मटन ले रहे हैं, बचपन से ही हमारे घर में वहीं से मटन आता था, उस शॉप पर ले आते हैं। वैसे एक दो वीडियोज़ में जब लॉकडाउन में बनाए थे तो उस जगह के बारे में बताए थे, वापस से वहीं ले जाएंगे, पूरा जो मटन है वो दिखाएंगे और हर पार्ट के बारे में वो आपको बताने वाले हैं, जो वहाँ के ओनर है वो आपको बताने वाले हैं। और रिसेंटली हम लोग एक ऐप का भी प्रमोशन करते हैं नॉनवेज मंगवाने के लिए, डिलीवरी बाइकर्स का, तो वो लोग भी उसी जगह से टाई अप किए हुए हैं। इसलिए अगर हम मटन अपने घर पर मंगवा रहे हैं, जाके ले या डिलीवरी बाइकर से मंगवाएं, उसी जगह से मेरे घर पर मटन आता है। तो अब चलते हैं उस शॉप पे, शॉप का लोकेशन आपको दिखाते हैं और फिर जो सारा मटन का जो एनाटॉमी है वो आपको बताते हैं। इधर देख लीजिए, फिलहाल हम लोग करवी गैया वाले रोड के पास हैं, और ये जो है ये करवी गैया वाला रोड है। बिल्कुल सामने में वो चिड़ियाघर पुल ऊपर चढ़ता है, इधर जो है मस्जिद है, और इससे बिल्कुल पहले वो जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं वहाँ आपको लेके चलते हैं। ये वाला जो साइन बोर्ड है बिल्कुल बगल में ही एक गली है, और इसी गली के अंदर हमें जाना है। ये एक जय माता दी गेस्ट हाउस है, इसी के बगल में ये गली है और इसी गली में जाना है, यहीं पर वो शॉप है। वैसे ट्राई करेंगे, गूगल का जो लोकेशन है वो डाल दे डिस्क्रिप्शन। हमारे साथ है सफ़ी मीट हाउस के जो ओनर है, और बचपन से इस चीज़ को देख रहे हैं, बचपन से इस काम को कर रहे हैं, तो इनसे बेटर कोई हो नहीं सकता था जो हम लोग को प्रॉपर नॉलेज दे हर एक पोर्शन के बारे में। तो अच्छे से जरा बताइए कि कौन सा पोर्शन को क्या बोलते हैं। चलिए, इसको अगला रान बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगला रान है। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगला रान में आया, यहाँ से ये यहाँ तक अगला रान। अच्छा, इसी में से जो नली वाला पीस वगैरह सब इसी में से निकलता है। ये नली का पीस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नली आ जाएगा। ठीक है, इसमें करैली पीस भी आ जाएगा। अच्छा, ये गर्दन का पीस हो गया, ये हो गया गर्दन का पीस। गर्दन का पीस, गर्दन वाला पीस मतलब गर्दन वाला पोर्शन सबसे कम लोग लेते हैं या ज्यादा लेते हैं? गर्दन का पीस सॉफ्ट पीस होता है, सॉफ्ट होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। सबसे ज्यादा डिमांड इसी का भी सबसे पहला यही जा रहा था, पहला यही डिमांड होता है। अच्छा, कस्टमर का फर्स्ट चॉइस गर्दन होता है। ठीक है, और बताइए। और यहाँ पर ये रीर का पीस, चाप पीस होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया चाप वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप का पीस हो गया। तो ये वाला जो है ये चाप वाला पोर्शन होता है, इसमें बोन भी होता है और जो फ्लैश है वो भी होता है, मीट भी होता है, थोड़ा फ्लैश होगा और मैक्सिमम आपको बोन आएगा, मैक्सिमम इसमें बोन रहता है, बोन आएगा। अच्छा, तो ये हो गया यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चाप का पीस हो गया। ठीक है, और फिर ये चेस्ट हो गया, यहाँ से आपका यहाँ तक चेस्ट हो गया। इधर वाला जो पोर्शन है ये सीना वाला पोर्शन हो गया, ये सीना का पीस है। ये देखिए, ये मेन सीना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीना है, ये मिक्स पीस है, मिक्स्ड होता है, इसमें बोन बोनलेस दोनों आते हैं। अच्छा, इसका बोनलेस सॉफ्ट होता है। अच्छा, इसका बोनलेस थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। अब पिछला रान है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछला रान है। अच्छा, ये जो है ये हो गया पिछला रान, ये पिछला लेग हो गया। जो कीमा वाला पोर्शन है वो इसी में से निकलता है, कीमा इसमें से आएगा, इसमें बोनलेस आपको मैक्सिमम पाया जाता है। अच्छा, तो बोनलेस किसी को लेना है तो वो पिछला रान वाला ही लेगा, जो कबाब वगैरह बनता है पिछला रान से, कबाब कीमा टिक्की ये सब आपको पिछला रान के आइटम में मिलेगा। अच्छा, और ये पुट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुट का पीस है, ये हो गया पुट वाला पोर्शन, पुट वाला।
ये अगर आदमी को फाइट वाला पीस पसंद है चर्बी वाला तो ये पुट के पीस में पाया जाता है। अच्छा, चर्बी वाला जो है वो पुट के पीस में होता है, पीस में आता है। पिछले वाला जो हो गया इसमें बोनलेस ज्यादा होता है, बोन कम होता है, इस वजह से थोड़ा ये पकने में भी समय ज्यादा लेता है, लेता है। क्योंकि बोन वाले पोर्शन में क्या होता है कि बोन थोड़ा एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो जो बोन वाला पोर्शन है वो थोड़ा जल्दी पकता है, जो बोनलेस वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, और कुछ पार्ट बचा कि हो गया? और तो पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। अंदर में है जो कलेजी वाला पोर्शन हो गया, लिवर जो है, ये लिवर हो गया, ये कलेजी, और गुर्दा वाला किधर है? गुर्दा यहाँ हो गया, जिसको बोलते हैं किडनी, ये हो गया किडनी वाला पोर्शन। गुर्दा जो है ये दो होता है, ये और... दो होगा, एक लेफ्ट एक राइट। और जो लोग चर्बी जो लेते हैं वो किडनी के साथ जो जुड़ा हुआ चर्बी वाला पोर्शन है वही लेते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं पुट। अच्छा, इसी को बोलते हैं पुट का पेस्ट। तो जो फैट लोग मांगते हैं वो यही वाला होता है, किडनी के साथ जो जुड़ा हुआ, जो जुटा हुआ होता है ना फैट वाला पीस, ये होता है पुट का पेस्ट। अच्छा, आपको अलग से फैट चाहिए तो यहाँ होता है अलग से फैट। इधर भी फैट होता है और एक किडनी में भी तो फैट होता है, किडनी फैट जो है, किडनी फैट इसके साथ है ना इंक्लूड। अच्छा, और जो एक्स्ट्रा जो मांगते हैं फ्री में लड़ भौड़ी, वो कहाँ पे होता है? ये देखिए फ्री, ये तेल, ये भौड़ी और ये लड़। ये क्या, कौन सा पोर्शन हो गया? इंटेस्टाइन वाला, ये लड़ है। तो आमतौर पे लोग जो करी कट के लिए ले आते हैं उसमें कौन कौन सा पोर्शन लेते हैं? अगला रान, सीना, चाप, गर्दन, फुट। अगला रान हो गया सीना में से ले या चाप में से ले? चाप, अगर किसी को बोन ज्यादा खाना तो चाप में से ले, चाप। अगर चर्बी वाला थोड़ा खाना है तो पुट में से ले, में से ले। अगर हेल्दी कुछ खाना है तो अगला रान में से ले, अगला रान और सीना। उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, नहीं फैट वगैरह कम होता है? फैट आपको मिलेगा पुट में, फैट मिलेगा पुट में, पुट में। और जो नेक वाला पोर्शन है उसमें भी प्रोटीन ज्यादा होता है, इसमें प्रोटीन और सॉफ्ट मांस होता है यहाँ का, उसमें जिलेटिन भी ज्यादा होता है गर्दन में। और अगर किसी को कीमा के लिए लेना है तो पिछला रान ले, पिछला रान यहाँ से बोनलेस निकलता है, इसी का कीमा बनता है। यहाँ से आपको कबाब भी मिलेगा। अच्छा। कबाब भी बनता है यहाँ से, टिक्का भी यहीं से बनता है, बट ये थोड़ा सा इसका जो रेसा है वो थोड़ा बड़ा होता है तो पकने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, टाइम लेता है। अच्छा, और बिरयानी के लिए क्या जाता है? बिरयानी पुट और सीना, पुट और सीना मेनली बिरयानी के लिए, बिरयानी के लिए। इसका रीजन है कि थोड़ा चर्बी उसमें होता है, चर्बी आता है, लोग चर्बी पसंद करते हैं, चर्बी थोड़ा उसमें पसंद करते हैं बिरयानी में। ठीक, किसी को पहचानना है कि अच्छा खसी कौन सा है तो इसका क्या तरीका है? खसी देखिए, ये है बढ़िया। अच्छा, इसको बिहार में खोजा खसी बोलते हैं। ये देखिए, ये प्रूफ है, इसको निकालिए, खींचिए, ये नहीं आएगा, ये ओरिजिनल है, ये नेचुरल है, ये पहचान है अच्छे खसी का, पहचान अच्छे खसी का। ये देखिए, ये ज्वाइंट है, यहाँ इसके मांस से इसको बोलते हैं नाभि। अच्छा, अगर ये हटा रहता है समूचे खसी में तो फिर डाउट हो जाता है खसी है या बकरी। अच्छा, ये अगर है इसका मतलब कि खसी है। हाँ, ये एक पहचानने का तरीका, पहचानने है, पहचानने का, इंक्लूड अगर सटा है तो। देखिए, और ये पीछे एक खसी का है, बकरी रहेगा यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। अच्छा, खस्सी रहेगा तो ये चिकना शेप में रहेगा। अच्छा, बराबर से मांस रहेगा। तो ये तरीका है पहचानने का कि खसी है कि नहीं, ये तरीका है पहचानने ये का। सब इसमें, इसका मतलब ये ओरिजिनल खसी एकदम है। हाँ, पूरा 100% ओरिजिनल। अब हम लोग उस शॉप से बाहर आ चुके, थोड़ा वियर्ड हमको भी लग रहा था बनाने में, लोग भी चारों तरफ से घेर लिए थे कि ये हो क्या रहा है, एक मटन के शॉप पे आके वीडियो बन रहा है। और पता नहीं आप लोग भी देख के कैसा रिएक्ट करने वाले हैं इस वीडियो पर, बट हमको भी बनाना था, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि लोग को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए कि मतलब खाते तो हर कोई है बट देखना हर कोई नहीं चाहता है, लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, प्लेट में परोस दिया जाए और बस खाने का मज़ा लेना चाहते हैं। बट एक पर्पज़ था कि लोग को बताया जाए, जिन लोग को जेन्युइनली जानना है कि कौन सा पोर्शन का क्या बेनिफिट है, कौन से पोर्शन में कितना टाइम लगता है, उनको ये चीज़ बताया जाए। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि अगर आपको करी कट खाना है तो मेरा रिकमेंडेशन है जो अगला वाला जो रान होता है, जैसे कि हम लोग जिसमें से नली वाला पीस हमारा निकलता है, वो वाला जो पोर्शन हो गया वो खाइए, या सीना वाला पोर्शन खाइए, ये दो मेरा रिकमेंडेशन है अगर करी कट खाना है तो। बिरयानी वगैरह खा रहे तो जैसा कि वो बताएं, पुट का पोर्शन सही रहता है बिरयानी के लिए। कबाब खाना है तो जो पिछला रान वाला पोर्शन है उसे ट्राई कीजिए आप। तो हर पोर्शन का एक अपना बनने का भी टाइम है, पकने का भी टाइम है, एक अपना उसका टेस्ट है, एक अपना उसका वैल्यू है। तो सारे पोर्शन के बारे में हम लोग ट्राई किए कि बताया जा सके। जो गुर्दा वाला पोर्शन था उसमें भी एक फैट होता है, हर एक ऑर्गेन के साथ एक फैट जुड़ा होता है उस ऑर्गेन को होल्ड करके रखने के लिए। और एक और चीज़ की जब भी वो लोग बेचते हैं, जब भी कोई खसी को अलग अलग पोर्शन काट के बेचा जाता है तो स्टार्ट जनरली गर्दन से ही करते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो खसी लटका हुआ है तो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है
गर्दन को बेचा जाए, उसके बाद जो ऊपर आए वो लोग जो रान वाला पोर्शन है, शोल्डर वाला जो पोर्शन है उसे बेचा जाए, उसके बाद सीना के तरफ जाए, फिर फुट के तरफ जाए, फिर पिछला रान के तरफ जाए। तो एक तरीका है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने का। अगर इमेजिन कीजिए कि सीधे कोई खसी कट के रखा गया, पहला ही कोई पिछला रान ऑर्डर कर दे, तो फिर वो खसी टंग के रखा नहीं जा सकता, उसको फिर हटाना पड़ेगा। तो तरीका यही होता है कि नीचे से स्टार्ट करते हैं। दुकानदार भी चाहते हैं कि नीचे से बेचा जाए, जो नेक वाला पोर्शन उसे पहला बेचा जाए। छोटा सा कोशिश था आप लोगों को बताने का, और बहुत लोग जो को जानना भी था, इस तरह का कोई प्रॉपर वीडियो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर है भी नहीं जिसमें हिंदी में डिटेल्ड वे में किसी बूचर शॉप पर जाके दिखाया जाए कि कौन से पोर्शन का क्या बेनिफिट है, कौन से पोर्शन का क्या स्वाद है। बता दीजिए अगर खाना है इस शॉप से, तो एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, इनका नंबर भी डाले हुए हैं। और बहुत लोग, हम लोग जब लॉकडाउन में वीडियो डाले तो उसके बाद बहुत लोग आके यहाँ से लिए भी थे, यहाँ से खाए भी थे, और मेरा भी एक ट्रस्ट है इस जगह पे, मटन बहुत सही मिलता है यहाँ का। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थोड़ा कंसर्न हम है कि लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, बट बना दिए डाल दिए देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।